जाने के लिए दिखाई थी ये टैग तो उठा देते बच्चों की चड्डी का, आप बता रहे हो कि 85 रुपए की चड्डी है, महंगी है, 85 रुपए की सस्ती चड्डी लेके आई हुआ है। हाँ हाँ, इसका ये डुल्ला टैग एरिया उठाओ, वैसे इसको इसमें बच्चे आराम से छोड़ के अपना सारा काम कर सकते हैं। ऐसे मारेंगे तो आंखें बंद करके ऐसे मारती है। आलू लड़ाई नहीं करनी, क्या हो गया थोड़ी है, मारेगा फिर वो पीटी कर देगा तेरी। ये लो नाखून, नहीं मारते दीदी को, कल भी मारा आपने, देखो यहाँ आज फिर नाखून मार दिया। नाखून दिखा भाई, शांति नाखून काटी, शांति को पकड़ा नीचे कर गया इसका। काकाओ 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 काकाओ, वेरी गुड, काकाओ 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 काकाओ, जान बूझ के गिरा रही है इसमें से, देखना दीपक भैया इधर बैठो, सबसे अलग बैठो दीदी, देखना अब मत दे से पास, पता लग गया ना कैसे गिरा, ये लो क्या। इस लड़की को फिर से नाखून मार दिया जैदू ने, ये देखो इसके होठ पे बहुत जोर से नाखून मारा, खून निकल दिया, आज नाखून काटूंगी सारे बच्चों के। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इसने ना फिनाइल की पानी की बाल्टी देख ली, अभी वहाँ जाएगी, देखना। चेना मेरे ना सोनिए ते लंगे ते शराब डोल दू, नाचो ओ डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक, डिंग डिंग लक लक। कैसे चाटा मारते हैं जद आना, अनु पक्का ले ले, यानु चाटा कैसे मारते हैं, यानु चाटा कैसे मारते हैं, उई उई उई, पैर दिखा अपना, पैर दिखा, पैर दिखा, उई नी नी नी, वो दिन खुशी मार चला गया। कैसी जा रही है तू, देख के तो जा मेरी भाऊ। आपका काका का है, आपका काका, आपका काका का है, अच्छा ये आपका काका है भाई, ये इसका काका है, तेरा काका का है, तेरा काका मारी होगा, तेरा काका का है, का है काका, ये भी काका चाहिए, एक काका है भाई को दे दे बेटा, उसके नाखून इतने सारे सुने। तो गाइस अभी देखो सर, नहाई धोई तो हूँ मैं, पर मैंने ना बाल मतलब धोए नहीं, आज मैंने सैटरडे था इसलिए धोए नहीं बाल, मैंने सोचा कल आज तेल लगाऊंगी और कल धोऊंगी। तो यहाँ पे ये दीपक मुझे बोल रहा है दीदी नहा लो, मैं नहा चुकी हूँ, कह रहे दीदी थोड़ा मेकअप कर लो, मैं क्यों कर लूँ, कह रहे आप ना थोड़ा सा सुंदर बन जाओ, मैंने कहा मैं सुंदर हूँ जैसे भी हूँ, चाहे लोग मुझे बुढ़ी बोले चाहे कुछ भी बोले कोई बात नहीं। कौन बुढ़ी बोलते हैं आपको, कमेंट आ रहे थे ये बुढ़ी पागल हो गई है, ये बुढ़ी सटी आ गई है, ये बुढ़ी खराब दिमाग खराब हो गया। तो भाई रियल लाइफ में पता है ऐसे लोग बोलते हैं पायली 16 साल की लग रही है, मतलब 28-18 ऐसे। नहीं चलो कोई भी है, बस ये थोड़े से बाल मेरे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना गाइस, इनकी वजह से थोड़ा मैं पागल जैसी लगती हूँ, कि ये ना एक्स्ट्रा बाल ना अंदर नहीं जाते। नहीं मैं आज आपका मेकअप करूँ सुंदर सा कुछ ना भाई, मेकअप करने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, मेरे को भूत बना दूं आपका आज, तेरा भूत बना दूं मैं। और क्या रिजल्ट है देखना तेल का, ये रिजल्ट है देखो भाई, इतना प्यारा रिजल्ट है कि मेरे बाल ना कितने भी कंघी कर लूं कुछ भी कर लूं मेरे पागल जैसे लगती हूँ, क्योंकि मेरे जो छोटे बाल नए आए हैं ना ये सारे, इतना ही ग्रोथ ना चोटी के अंदर नहीं जाती। तो मैं काम करती हूँ, दुकान पे भी होकर आती हूँ, दुकान का क्या सिस्टम चल रहा है वो भी देख के आती हूँ, ठीक है ना, चलते हैं एक बार। तू बस होना नहीं है, अब इसने पकड़ लिया छोटा सा, ये सबको यूं ही डराती रहेगी, हो करती रहेगी, तू बस डर गई, वो चच्चू को डरा, चच्चू को भाग देख कब भागी, तू बस कहाँ जा रही है, इधर आ जल्दी, कम कम इसको डराओ, इसको डरा जो आपको डरा रही है, जाओ इसको सुलाने के लिए ले गए थे, जी खाड़ी मार के ना हमें बाहर बुलाने में मजबूर कर दिया, क्योंकि ये सोना नहीं चाहती, वो देख डर गए थे। तेरा मास्टर ने क्या बना दिया, तुबा वैसे सुंदर लग रही है पूंछ इसके ऊपर, सुंदर लग रही है, सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, पूंछी दिखाओ अपनी पूंछी, ओहो कैसे घूम के आई है भाई, ऐसे घूम के देखो, ऐसे ऐसा लग रहा है सच में इसकी पूछ है। तो भाई खाने में बन रहा है आज मटर पनीर, साथ में राइस रोटी, सब लोग खाने वाले हैं, और मटर चावल बुला दो, शांति दी आ गई। अच्छा इसको पता ही नहीं है कि शांति आ गई है, क्योंकि शांति खाने का इसके दिमाग में नहीं था कि शांति आ गई है, तो खाना बन रहा है अभी। और शांति आने से ना एक प्लस पॉइंट है, शांति ना जो बच्चे है ना बहुत प्यार से उसके हाथ से ना खाना खा लेते हैं, मतलब हम लोगों से भी नहीं खाते, क्योंकि शांति ना की टेक्निक ही अलग है खाना खिलाने की, तो बच्चे थोड़ी अभी टेंशन फ्री। क्या हो गया, क्या हो गया, तेरे बारे में बात थोड़ी कर रही थी, डाप डाप। वही यहाँ पे दीदी नाराज हो गए हैं, कह रही मेरा नाम नहीं लिया, अरे आपने तो बच्चे को 6 दिन के थे तब से संभाल रहे हो, इतने बड़े बच्चे आपने करें, तो आप तो हमसे पहले इन बच्चों की, तीन बच्चों की माँ हो, ठीक है, आप तीनों को अकेले संभालते हो, रात में तो फिर भी दो दो तीन तीन लोग होते हैं, क्या हुआ क्या हुआ टुकड़ी देखो, ऐसे नीचे बैठो, बैठो वो देखो पीछे क्या तुम्हारे,
पूछी। तो गाइस अभी है ना फाउंडेशन की बात हो रही है, तो जिस दिन मैंने अपना मुंबई से मेकअप लिया था ना, तो ये वाला शुगर का लिया था। इसमें ना क्या करते हैं, इसमें आपको ब्यूटी ब्लेंडर की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे अंदर से प्रेस करोगे तो आपका फाउंडेशन निकल जाएगा और इसी से आप अपने फेस पे ब्लेंड कर सकते हो। तो मुझे ना दीपक बता रहा है कि इसने भी कोई फाउंडेशन लिया। कौन सा फाउंडेशन लिया? चार मिनासी। कौन सा फाउंडेशन है? चार मिनासी कुछ ऐसी नाम है। थोड़ी देर बाद कह ली थी कैरीमिनाटी, मैंने कहा तो बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसके नाम का फाउंडेशन भी आने लग गया है क्या? चार्ली मिलानो ऐसे कुछ। अरे उसका चार्ली मिलानो क्या नाम है? वो तो फोन में लगी रहती है सारा दिन अपनी, ये एनी 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 चार्ली मिलानो क्या नाम है उसका फाउंडेशन का? चार्ली मिलानो चार्ली पियानो। छोड़ दे मेरे को, ये ना बोले चाय बना लो। मुझे यही सुनाई है वहां से, तो मान जाएगा ये मेंटल हो गया। हां जी ऐसे चले जाओ का दुकान पे, नहीं लग रही तेल अच्छे से बिकेगा, जो तेल लेने आएंगे सारे भाग जाएंगे। गर्दन अलग लग रही है। अरे नहीं, होंठों के पास ऐसे आउटलाइन बन रही है। आप ठीक कर दी? मैंने ठीक कर दी, ठीक कर दी। ज्यादा फाउंडेशन लगा लिया लग रहा है मुझे। मैंने बोला था आपको पहले, तो गाइस यहां दुकान पे जाने आते से आधा लगाया मैंने, एक डॉट इधर एक डॉट इधर। तो गाइस फिलहाल मैं जा रही हूँ अपनी शॉप पे और देख के आती हूँ कितना काम चल रहा है, क्या चल रहा है, स्टॉक कौन सा है, कौन सा खत्म हो गया, क्या रिफिल करना है, कैसा चल रहा है सब। अपने स्टाफ से भी मिल के आती हूँ, जितना भी स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, और साथ ही साथ अपडेट भी ले लेती हूँ। और आपको जो है हमारे घर के बाद जो बोर्ड लगा वो भी दिखा देती हूँ, जो अरमान जी के लिए, कृतिका के लिए, वोटिंग के लिए लगा हुआ है हमने अपने उसके लिए। और हमारे जो शेफी भैया ना, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में हमारे अजमेर से बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सबका भी एक लिंक वीडियो अभी डालती हूँ। तो गाइस लिमिटेड स्टॉक है हमारा प्रोडक्ट, आपको कुछ ऐसी पैकिंग में मिलने वाला है, लीक प्रूफ है, आपका जो ऑयल है वो कहीं भी लीक नहीं होगा और सेफली आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ हमारी स्लिमिंग किट भी आपको इसी पैकिंग में मिलेगी और ये आपको कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको दिए गए हैं, उन नंबरों पे कॉल कीजिए, ऑल ओवर इंडिया ये प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाएगा। अगर आपको आकर लेना है तो आने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है एबीपी मैक्स स्पेस नियर लोटस ग्रीन एवेन्यू सिंहपुरा रोड जीरकपुर, तो आपको जो गूगल मैप है वो सीधा हमारे शोरूम पर पहुंचा देगा और आप इस ऑयल को ले सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक है तो जल्दी आइए, जल्दी पाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जब स्टॉक खत्म हो जाते हैं तो बोलते हैं हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए, इनकन्वीनियंस के लिए। और अभी जो है हमने इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी जो है रीस्टॉक करने के लिए हमने ऑर्डर दे रखा है, पर ऑर्डर आने में टाइम लगता है, तो जितने भी लोग हैं जल्दी आइए और लेकर जाइए। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, जय गुरु जी की।